हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है जसवी। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वेस्टर्न एंड इस्लामिक कल्चर एक्सप्लेन इन मुस्लिम और मगरबी खवातीन में फ़र्क। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको देखते हुए, मतलब जो आप कहते हैं ना अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है वेस्टर्न कल्चर में, तो उसको अपने एशिया में भी इंडिया में पाकिस्तान में सब जगह उसको अपनाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या फ़र्क होते हैं और किन चीज़ों के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से क्या चीज़ें गलत हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। उर्दू टाइम लाइन देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मगरिब दुनियावी लिहाज से बेपनाह तरक्की कर चुका है। सेहत, इंसाफ और माशी लिहाज से मगरिबी माशरा अपनी आखिरी हदों को छू रहा है, मगर इस तरक्की याफ्ता माशरे में कुछ शर्मनाक हकायक भी छुपे हैं जो शायद आप नहीं जानते। मिसाल के तौर पर मगरिबी माशरे में औरत मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। बाप अपनी बेटी को, भाई अपने बहन को और शोहर अपनी बीवी को इस आज़ादी से नहीं रोक सकता। यही वजह है कि वहाँ खानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद होकर रह गया है। मुकद्दस रिश्तों की आपस में मोहब्बत और हमदर्दियाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। नजरीन, इस बात का इकरार ये लोग खुद भी करते हैं। हाल ही में कतर का सफर करने वाली सैकड़ों मगरबी खवातीन ने इस बात का इकरार किया कि मुस्लिम माशरा औरतों के लिए ज्यादा महफूज है। एक अमरीकी खातून का कहना है कि मशरकी वस्ता में सबसे खूबसूरत चीज खवातीन की इज्जत और तहफ्फुज़ है। इस्लामी माशरे में खवातीन का कतारों, मेट्रो वगैरह में मर्दों से अलग होना एक बेहतरीन कानून है, ताकि वो खवातीन खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस कर सके। नजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे, यूरोप में सबसे ज्यादा औरतों को पब्लिक मुकामात पर हरासा किया जाता है, क्योंकि वहाँ मर्द और औरत सब बराबर हैं। इस वीडियो में हम आपको मगरबी माशरे में औरतों के हुकूक और आज़ादी के हवाले से कुछ हैरान कुन हकायक बताएंगे, जिसे सुनकर आप बहैसियत मुसलमान अपने रिवायात पर फख्र महसूस करेंगे। मगर उससे पहले आपको फ्रांस की एक फैक्ट्री में पेश आने वाला सच्चा वाक्य आपकी समात की नज़र करेंगे, जो अरब के मशहूर अखबार अल खबर ने भी शाया किया। नजरीन, फ्रांस की एक फैक्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान के साथ खवातीन भी काम करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाली फ्रांसीसी खातून ने इस नौजवान से तंजी अंदाज में कहा, सुना है तुम पाकिस्तानी लोग औरतों के हुकूक नहीं देते, इन्हें घर में बंद रखते हो और कोई काम वगैरह भी नहीं करने देते। जिस पर नौजवान ने उस औरत से कहा कि आपको काम करते कितना अरसा हो गया है, जिस पर औरत ने कहा, जब मैं 18 साल की थी तब से नौकरी कर रही हूँ। जिस पर इस मुसलमान नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, आप घर का काम भी करती है, जॉब भी करती है और आपकी उम्र भी काफी हो गई है। जबकि हमारे यहाँ गालिब अक्सरियत के घरानों में जब बेटी पैदा होती है तो बचपन से लेकर जब तक इसकी शादी होती है उस वक्त तक माँ बाप अपनी बेटी को अल्लाह की रहमत करार देते हुए अपने आंखों का तारा बनाकर रखते हैं। इसकी इज्जत व असमत की पूरी तरह हिफाजत करते हैं, इसकी जरूरियात और हर किस्म फरमाइश पूरी करते हैं और जब इसकी शादी कर देते हैं तो अपनी शोहर की जिम्मेदारी बन जाती हैं। अब इसके तमाम ख्वाहिशात और जरूरियात इसका शोहर पूरी करता है और जब वो आपकी उम्र तक पहुंच जाती है तो तब इसके बेटे और बेटियां इसको अपनी जन्नत कहकर पुकारते हैं। हमारे यहाँ इस उम्र में औरत को आपकी तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा क्या आप इसको जुल्म और हुकूक ना देना कहती है, क्या इसको घर में बंद रखना कहते हैं? ये हमारा मुस्लिम माशरा है, ये हमारे दीन की तालीमात और तरबियत है और यही हमारे रस्म और रिवाज है। नजरीन, इसके बाद फैक्ट्री का टाइम खत्म हो गया और वो खातून चली गई। दूसरी दिन ड्यूटी पर आकर इस खातून ने बताया कि वो सारी रात सो न सकी। क्या कोई ऐसा माशरा भी है जहां औरत को पैदाइश से लेकर मौत के वक्त तक इतनी इज्जत दी जाती है? मजीद कहती है, हमारे यहाँ तो औरत को जिंसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हुकूक के नाम पर सारा बोझ औरत बर्दाश्त करती है और आखिरी उम्र में ओल्ड हाउस भेज दिया जाता है। नजरीन, औरतों के हुकूक और मसावात के ठेकेदारों के यहाँ औरत किस कदर महफूज है इसका अंदाजा आपको यूरोप यूनियन के बुनियादी हुकूक के इदारे से पता लग जाएगा, जिसमें शामिल ममालिक की तकरीबन 40% खवातीन 15 बरस की उम्र में जिंसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार रही हैं। इस जायजे के मुताबिक ये तादाद 6,20,00,000 बनती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस मौजू पर लिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा जायजा है, जबकि इस सर्वे के लिए 52,000 खवातीन के इंटरव्यूज लिए गए। नजरीन, इस सर्वे में खवातीन से इन पर घर और काम की जगह होने वाले जिस्मानी और जिंसी तशद्दुद के बारे में सवालात किए गए, जिससे पता चला कि हर 10 में से 4 खवातीन को जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि हर 20 में से 5 खवातीन रेप का शिकार बनी। नजरीन, इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि 18% के करीब खवातीन को 15 बरस की उम्र से ताकुब करने वाले मर्द हजरात से वास्ता पड़ा, जबकि 55% का कहना था कि इन्हें अक्सर अपने दफ्तर में जिंसी तौर पर सताया जाता है। नजरीन,
अब बात करते हैं अमेरिका की, जो अपने आप को इंसानी और खासकर औरतों की हुकूक का बड़ा लम्बरदार समझता है, जहां ना सिर्फ कम उम्र लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी जिंसी हिरासगी का सामना है। जबकि अमेरिका में 17 साल की उम्र को पहुंचने तक तकरीबन 34% लड़कियां जिंसी ज्यादती का शिकार होती हैं। नजरीन, सन 2010 में एक गैर मुल्की खबर रसाई दारे ने खबर शाया की कि सिर्फ बरतानिया में हर बरस 80,000 औरतें जिंसी ज्यादती का शिकार बनती हैं। सन 2009 में NCCP की एक रिपोर्ट में इस हकीकत का इंकिशाफ किया गया कि 18 बरस से कम उम्र की तकरीबन 2,50,000 जबकि 16 बरस से 50 साल के दरमियान 4,00,000 खवातीन हर बरस जिंसी दरिंदगी का शिकार बनती हैं। जबकि ये वो तादाद है जिन्होंने अपने साथ होने वाले ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज की, जबकि इनमें से 19% ऐसे है जिन्होंने किसी किस्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। नाज़रीन, ये है मगरबी माशरे का वो इंसाफ जिसकी मिसालें देते हुए लिबरल थकते नहीं। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत की भी कुछ बात हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस के जानिब से सामने आने वाले सालाना अदाद शुमार के मुताबिक भारतीय शहरों में रेप का तनासुब 43% बढ़ चुका है, जबकि गुज़श्ता बरस तकरीबन 74,000 रेप के वाकयात हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में पेश आए। इसके अलावा भारत में जराइम का रिकॉर्ड रखने वाले कौमी इदारे का कहना है कि सिर्फ मुंबई शहर से रोजाना औसतन 150 से ज्यादा जिंसी ज्यादती के मुकदमे दर्ज होते हैं, जबकि ज्यादातर वाकयात की रिपोर्ट लोग दर्ज ही नहीं करते। नाज़रीन, सन 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक मिनट के दौरान 25 से ज्यादा लोग जिंसी ज्यादती का शिकार बनते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 माह के अरसे के दौरान 10,00,000 औरतों के साथ जिंसी ज्यादती के वाकयात पेश आए, जबकि 60,00,000 से ज्यादा मर्द और खवातीन का ताकुब किया गया। नाज़रीन, इसके अलावा इन ममालिक में मुख्तलिफ हैरान कुन और शर्मनाक वाकयात भी सामने आते हैं, मगर इनको मगरबी मीडिया सामने नहीं लाता। यूरोप के एक तालीमी इदारे में पेश आने वाला अब तक सबसे दिलखराश वाकया, जहाँ 40 साल से एक टीचर बच्चों से जिंसी ज्यादती कर रहा था। इन 40 सालों में सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। अगर ये किसी इस्लामी मुल्क में होता तो हमारे मुल्क के लिबरल्स आसमान सर पर उठा लेते। नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुल्हिदीन और मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वाले तासुब के ऐनक उतार कर जरा अपनी ही इन सीकुलर ममालिक के तहकीकात पढ़ ले, जिसके मुताबिक इन ममालिक में जिंसी ज्यादती की शरह बाकी ममालिक से कई ज्यादा है। कोई औरत अपने आप को महफूज नहीं समझती, जबकि इन लिबरल सीकुलर ममालिक के अखलाकियात की असल हकीकत इनकी अपनी तहकीकात बयान करती है। नाज़रीन, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने सबसे पहले औरत की अजमत व एहतराम का सबक दिया, मगर जब औरत ने धोखा खाकर जब मर्दों के साथ बराबरी का दावा किया तो इसके बाद मगरिब में लेडीज फर्स्ट का किस्सा भी खत्म हुआ। मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस खूबसूरत और अमन पसंद माशरे का हिस्सा हैं। इसके बरकस अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में देखे औरत का कोई इज्जत विकार नहीं, बाप के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, भाई अपने बहन से बेजार और रिश्तों की कोई कदर कीमत नहीं। इसके अलावा इस्लामी माशरे में अगर कोई बहन अपने भाई या वालिद के साथ बाहर निकलती है तो वो अपने आप को दुनिया की सबसे महफूज तरीन औरत तसव्वुर करती हैं। मगर मगरिब में कोई बहन इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इसका भाई अपने बहन का हाथ पकड़कर इसको तहफ्फुज दे सकेगा। आज मगरिब की औरतों ने बरहना होकर मर्दों की दिलों में अपना मुकाम खो दिया है। ये आजाद ख्याल औरतें महज जिंसी तस्कीन के अलावा मर्दों के लिए कोई मुकाम नहीं रखती। दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। तो ये बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़े आंकड़े थे जो इंडिया से भी थे और अमेरिका वगैरह से भी थे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक घंटे के अंदर 150 केसेस, एक एक मिनट के अंदर 25 लड़कियों को हैरेस करना या उनके साथ कुछ बदतमीजी गलत हरकतें होती हैं। तो वो आप सोच सकते हैं कि उन कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा है जहाँ पर ये वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा है, या फिर वेस्टर्न ही कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर ही एक आंकड़ा ज़्यादा क्यों है, मुस्लिम कंट्रीज़ में क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिफाजत से रखा जाता है, भले ही थोड़ी बहुत सख्ती हो। अब हमें देखने को मिलती है कि सख्ती से ही समझाया जाता है कभी कभी, क्योंकि अब दिमाग है, वेस्टर्न कल्चर को देख लिया है कहीं से, किसी ने, किसी भी लेडी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मुस्लिम हो, तो वो सोचने लगती है यार मैं भी ऐसा करूं, मैं भी आज़ाद ख्याल होकर थोड़ा बाहर निकलूं और ये सब करूं। तो उनको सख्ती से समझाया जाता है कई बारी, तो वो लगता है कि बहुत उन पर जुल्म हो रहा है, उनको अंदर बांधा जा रहा है। तो ऐसे एक किस्सा इन्होंने जो शुरू में बताया था, उस लड़की की भी दिमाग में आया, भाई वो भी थॉट यही रखती थी कि यार इस्लाम में ऐसा होता है, तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसे बांध कर रखते हैं या फिर ये वो, तो वो इस्लाम के खिलाफ ऐसे नज़रिया रखती थी।
जिसके बाद उसको मतलब नींद ही उड़ गई जब उसने सच्चाई सुनी कि इज्जत के साथ रखते हैं, बाप की जिम्मेदारी होती है, फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। तो ये आंकड़े जो हैं बहुत शॉकिंग हैं, बहुत बड़े आंकड़े हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं। और यस, ये जो 20-30-34% के जो आंकड़े दिखाए गए हैं इसके अंदर, ये कहीं कहीं ज़्यादा हैं, ये डबल भी हो सकते हैं, क्योंकि आधे केसेस हमें लोग जो हैं हिम्मत कर कर दर्ज करवाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। और इस्लामिक कल्चर एक खूबसूरत कल्चर है जो इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हर तरीके से, आप देखेंगे, आप बड़े बड़े प्लेयर्स को देख लीजिए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख लीजिए, बड़े बड़े अहदों पर जो बैठे हुए हैं उन पर देख लीजिए, वो भी ऐसे प्रमोट करते हैं, इस्लाम को बहुत प्राउडली प्रमोट करते हैं, हमने देखा है बहुत बारी। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हीं की जो सर्वेस किए हुए हैं कंट्री के, चाहे वो इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, उनके सर्वे खुद के किए हुए हैं रेप हैरेसमेंट और इन सारी चीज़ों के, तो वो आंकड़े उनके दिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं जब एक कंट्री अपना आंकड़ा दे रही है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो थोड़ा कम ही आपको नज़र आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको वो रियलिटी में होगा। आप तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ इन डिफरेंसेस के बारे में, आपको कौन सा कल्चर पसंद है दोनों में से, वो बता सकते हो। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।